तो चलिए आज हम बनाएंगे बेहद स्वादिष्ट मिठाई। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सबसे पहले हम शुभारंभ गैस चलाकर करेंगे और इसमें रख देंगे हम एक पैन, नॉनस्टिक पैन। और यहाँ पे मैं 250 ml दूध ले रही हूँ। 250 ml ये कप है, तो मैंने यहाँ पे दो कप लिया है। टोटल जो है 500 ml मैंने यहाँ पे दूध लिया है। दूध जो है आप रूम टेम्परेचर पे लें। और उसी कप से मैं दो कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि घिसा हुआ नारियल ले रही हूँ। हमें इसे स्लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से चलाते रहना है, बिल्कुल भी गैस पे ऐसे नहीं छोड़ना है, चलाते रहना है। और जैसे ही दूध हमारा ये सारा सोक कर लेगा नारियल, हम इसमें उसी कप से मिल्क पाउडर डालेंगे दो कप। ये ध्यान रखें आप कोई से भी कप से अगर आप ये तीनों चीज़ें ले रहे हैं, सेम क्वांटिटी और सेम कप रखें तो आपका मेज़रमेंट बिल्कुल सही रहेगा और आपकी ये जो स्वीट है बहुत ही अच्छी बनेगी, बिल्कुल एकदम बैलेंस बनेगी। तो हमें इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है जब तक ये आटे की शेप ना ले ले। तो मैं यहाँ पे एक चम्मच इलायची डाल रही हूँ फ्रेश कूटी हुई, और ये जो है हमारा बैटर और थिक होता जा रहा है। तो ये देखिए ये बिल्कुल डो के जैसा हो गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के रख देंगे ठंडा होने के लिए। इसके बाद मैं यहाँ पे 3 से 4 चम्मच चीनी पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं मीठा। इसके बाद हाथों में हल्का सा घी लगाकर आप इस तरीके से थोड़ा सा लें और राउंड राउंड शेप करके इसे पेड़े की शेप दे दें इस तरीके से, और फिर ड्राई कोकोनट पाउडर में अच्छे से मिक्स कर लें और सेंटर में हल्का सा उंगली से दबा लें और एक प्लेट में रख दें। इसी तरीके से मैंने सारे पेड़े जो है तैयार कर लिए थे। साथ ही में आप इसके इसी सेम बैटर के लड्डू भी बना सकते हैं, कोकोनट लड्डू, जो कि आपका एक ही बैटर में दो आपकी मिठाइयाँ बन रही है, जो कि आपको सर्व करने में भी अच्छी लगेगी। और इसके लड्डू बनाना बेहद आसान है। ये देखिए इस तरीके से मैंने बना दिए हैं। यहाँ पे मैंने केसर वाला पानी रखा है, तो मैं हल्के हल्के इसमें एक दो बूंदे डालूँगी पेड़ों में, और इस तरीके से मैं यहाँ पे केसर के जो थ्रेड है वो रख दूँगी डेकोरेट करने के लिए। और ये देखिए इस तरीके से मैंने सजा दिए हैं पेड़े और लड्डू। तो आप फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही आसान है बनाना और बेहद स्वादिष्ट बनती है मिठाई। लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। हैप्पी रक्षाबंधन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।